क्वेश्चन में ये गिवन है कि लेट अस सपोज एक बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगी, और ये जो फोर्स है ये आपकी कौन सी फोर्स है लिख लें, ये आपकी अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, और ये फोर्स क्या है, फ्रिक्शन, ये गिवन है। चलो मैंने गिवन कर दी, वैसे हो सकता है न्यूमेरिकल के अंदर म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन से आपको कुछ निकालनी भी पड़े, तो फ्रिक्शन का चैप्टर आपको आता है, एज्यूमिंग कि आप फ्रिक्शन तो निकाल ही लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आएगा इसमें, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालें, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालें। तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, नेगेटिव लगा देंगे सीधा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब मैंने आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन बोला तो यहां आपने अप्लाइड फोर्स को बिल्कुल भी नहीं लेना, चाहे उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स कितनी भी लगती हो कोई फर्क नहीं, उसने फ्रिक्शन बोला तो मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन ही कैलकुलेट करूंगा। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, -2 × 15 यानी कि -30 जूल। पहला स्टेप क्लियर है कि जब वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा नेगेटिव में आएगा, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन में फोर्स फ्रिक्शन की ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फाइंड वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। क्योंकि मैंने फोर्स अप्लाइड बोला तो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, राइट, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, राइट, तो एंगल इनके बीच में क्या होगा, 0। अप्लाइड फोर्स बोला तो अप्लाइड फोर्स ही लेना, अब फ्रिक्शन को नहीं लेना, फ्रिक्शन को नहीं लेना, अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, आंसर 150 जूल लिखना पड़ेगा। सही है, लिख लो ये। और अगर मैं ये बोलता हूं वर्क डन बाय नेट फोर्स, नेट फोर्स में अब आपने नेट फोर्स को लेना है, बोलो कितनी है नेट फोर्स, 10 में से 2, और डायरेक्शन कहाँ होगी नेट फोर्स की, टुवर्ड्स राइट, क्योंकि 10 बड़ा है और 2 छोटा है, तो 10 में से 2 गया 8 × डिस्प्लेसमेंट अभी भी 15 है, और कॉस ऑफ 0 इसलिए क्योंकि नेट फोर्स राइट है और डिस्प्लेसमेंट भी राइट है, जो आंसर आएगा 8 × 15 जूल इज द आंसर। मेथड समझ में आ रहा है, बहुत पूछेगा फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन ही लेना, नेट फोर्स है तो नेट फोर्स ही लेना, अप्लाइड फोर्स है तो अप्लाइड फोर्स ही लेना। क्लियर है यहां तक?